ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दोस्तों। इस बार 19 सितंबर 2023 को कई वर्षों बाद एक बहुत ही अद्भुत और शुभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन साल की सबसे बड़ी चतुर्थी गणेश चतुर्थी पड़ने जा रही है। और अगर आप इस दिन गणेश भगवान की मूर्ति स्थापना करते समय या पूजा या व्रत करते समय अगर इन तीन बातों का ध्यान नहीं रखते तो गणेश जी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपको उनके क्रोध का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, भगवान श्री गणेश बुद्धि प्रदान करने वाले हैं और कोई भी शुभ कार्य उनकी प्रथम पूजा के बिना पूर्ण नहीं होता और उनकी कृपा से समस्त दोष दूर हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश की पूजा के बिना सभी शुभ कार्यों की शुरुआत अपूर्ण मनाई जाती है। इसलिए इस दिन अगर आप गणेश भगवान को खुश कर देते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में गणेश भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम श्री गणेशाय नमः लिखना न भूलें। दोस्तों, पूरे भारत में बड़े ही जोरों शोरों से गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। भगवान श्री गणेश के जन्मोत्सव के रूप में यह त्योहार हर साल मनाते हैं। हर साल भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गणेश उत्सव का आरंभ किया जाता है, जो 10 दिनों तक पूरे उल्लास के साथ चलता है। इस दिन ज्यादातर लोग अपने घरों में भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हैं, जिसे 10 दिनों बाद विदा किया जाता है। इन 10 दिनों तक पूरे विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। इसलिए आइए जानते हैं इस साल गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त, पूजा की सही विधि और विसर्जन की ढेंट के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 18 सितंबर के दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत दोपहर के समय 2:09 पर होगी, जो 19 सितंबर के दिन दोपहर के 3:13 तक रहने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार 19 सितंबर के दिन सुबह 11:08 से दोपहर 1:33 तक गणेश जी की मूर्ति स्थापित करने का शुभ मुहूर्त रहेगा। वहीं ठीक 10 दिनों के बाद विसर्जन किया जाएगा। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों, इस दिन पूरे धूमधाम से भगवान श्री गणेश को अपने घर लाएं। मूर्ति की स्थापना करने के बाद प्रभु का जलाभिषेक करें। इसके बाद भगवान को वस्त्र और आभूषणों से सजाएं। गणपति बप्पा को पीले या लाल रंग के चंदन का तिलक लगाएं। प्रभु पर पीले रंग के फूल, अक्षत, कलवा और दूर्वा घास चढ़ाएं। अब धूप और घी के दीपक से भगवान गणेश जी की आरती करें। प्रभु को 5 फल और लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करना ना भूलें। दोस्तों, गणेश जी को नमस्कार करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर की दिशा में होना चाहिए, तो उसी अनुसार घर में गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना करें। गणेश जी की पीठ के दर्शन कभी भी ना करें, सामने से ही सदैव उनके दर्शन करें या फिर दाएं या बाएं से दर्शन करना भी शुभ नहीं है। माना जाता है कि गणेश जी की पीठ के दर्शन करने से घर परिवार पर दरिद्रता का प्रभाव पड़ जाता है, दुर्भाग्य छा जाता है। घर में श्री गणेश की ज्यादा मूर्तियां ना रखें। पूजा स्थान पर एक ही गणेश की 3 मूर्तियां कभी ना रखें और सफेद रंग के गणेश जी भी घर में ना रखें। पीत वर्ण के गणपति सर्वोत्तम माने जाते हैं। घर में श्री गणेश की वही मूर्ति स्थापित करें जिसमें उनकी सूंड बाई तरफ हो। कार्यस्थल पर खड़ी हुई मुद्रा में गणेश जी का चित्र लगाना चाहिए। उनके दोनों पैर जमीन को स्पर्श करते हुए हो, इससे कार्य क्षेत्र में स्थिरता आती है। घर में सदैव बैठे हुए गणेश की मूर्ति रखें, इससे परिवार में सुख शांति आती है। अब बताते हैं कि गणेश जी के पूजन में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उन्हें नहीं चढ़ानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, गणेश जी पर सफेद रंग की चीजें चढ़ानी नहीं चाहिए। भगवान गणेश जी ऊर्जा और उत्साह के प्रतीक है, इसलिए उनके पूजन में उत्साहवर्धक लाल रंग के फूल और सिंदूर का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सफेद रंग का संबंध चंद्रमा से होता है और पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने भगवान गणेश जी का उपहास किया था और क्रोधित होकर भगवान गणेश ने चंद्रमा को श्राप दिया कि चंद्रमा से संबंधित चीजें उनके पूजन में इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसलिए
भगवान गणेश की पूजा में सफेद रंग की चीजें जैसे कि सफेद वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन, सफेद फूल आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गणेश जी को केतकी के फूल भी अर्पित नहीं किए जाते हैं। इस फूल का संबंध भी चंद्रमा से माना जाता है। भगवान गणेश को सदैव लाल या पीले रंग के फूल ही अर्पित करें। सफेद चंदन के स्थान पर कुमकुम से या पीले चंदन से गणेश जी का तिलक करें। गणेश जी को कोरे सफेद चावल भी चढ़ाए नहीं जाते। चावल में हल्दी मिलाकर पीले करके ही गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं, तो भूलकर भी कभी गणेश जी के पूजन में सफेद रंग की चीजों का प्रयोग ना करें। अगली चीज है तुलसी। गणेश जी के पूजन में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता, ना ही उनके भोग में तुलसी पत्र रखा जाता है। गणेश पुराण में एक कथा है कि एक बार तुलसी गणेश जी पर मोहित हो गई और उन्हें विवाह का प्रस्ताव दे ढाला, लेकिन गणेश जी ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वे आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। देवी तुलसी ने गणेश जी को श्राप दिया कि आप ब्रह्मचारी नहीं रह पाएंगे। तब गणेश जी ने तुलसी को श्राप दे ढाला कि आपका विवाह राक्षस से होगा। इस कारण से तुलसी का विवाह जालंधर नाम के असुर से हुआ और इसी कारण भगवान गणेश के पूजन में तुलसी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप गलती से भी गणेश जी को तुलसी अर्पित कर देते हैं तो भगवान गणेश आपसे रुष्ट हो जाएंगे, आपके व्रत और पूजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी के पूजन में तुलसी के पत्तों का किसी भी तरह से प्रयोग ना करें। भोग लगाते समय भी भगवान विष्णु के अवतारों का भोग अलग रखें, जिसमें तुलसी दल रखें, और गणेश जी और शिव पार्वती के लिए एक अलग पात्र में भोग रखें, उसमें तुलसी का पत्ता ना रखें। अगली चीज जिसे गणेश जी पर अर्पित करने में सावधानी बरतनी है वह है दुर्वा। दुर्वा गणेश जी को अति प्रिय है, उनके पूजन में इसे अनिवार्य माना जाता है, लेकिन अक्सर लोग गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते समय गलत कर देते हैं। अधिकतर लोग गणेश जी के चरणों में दुर्वा को अर्पित कर देते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं को राक्षस से बचाने के लिए गणेश जी ने उससे भयंकर युद्ध किया। वे युद्ध के दौरान उसे निगल गए। उससे गणेश जी के पेट में असहनीय जलन हुई। गणेश जी को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि कश्यप ने दुर्वा की 21 गांठ बनाकर भगवान गणेश को ग्रहण करने को दी। दुर्वा ग्रहण करने के बाद भगवान श्री गणेश के पेट की जलन शांत हो गई। तभी से गणेश जी की दुर्वा अति प्रिय हो गई और जो भी भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करते हैं उनके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अधिकतर लोग ये नहीं जानते कि भगवान गणेश दुर्वा का सेवन करते हैं और इसी कारण गलती से दुर्वा को गणेश जी के चरणों में रख देते हैं, लेकिन ऐसी दुर्वा को गणेश जी के स्वीकार नहीं करते। इससे गणेश जी की कृपा नहीं मिलती, तो ध्यान रखे दुर्वा को थाली में रखकर जैसे भोग लगाया जाता है वैसे गणेश जी के समाने रखे और दुर्वा के सदैव ऊपरी हिस्से को ही गणेश जी को अर्पित करें। दोस्तों, गणेश जी को चावल चढ़ाते समय भी विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अक्षत का पूजन में बड़ा ही महत्व है। पूजन के दौरान अगर कोई भी सामग्री कम पड़ जाती है तो उसकी जगह चावल चढ़ा देने से पूजन पूर्ण हो जाता है, लेकिन भगवान गणेश के पूजन में चावल का इस्तेमाल करते समय विशेष ध्यान रखें। भगवान गणेश के पूजन में कभी भी टूटे खंडित चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसे खंडित टूटे चावल अपवित्र माने जाते हैं और पूजन में अगर आप ऐसा चावल इस्तेमाल करते हैं तो आपका पूजन अपूर्ण माना जाता है। तो गणेश जी का पूजन करते समय जब भी आप चावल का इस्तेमाल करें तो ध्यान रखें चावल का हर दाना साबुत हो, अक्षत हो, और दोस्तों सूखे चावल भी गणेश जी के पूजन में इस्तेमाल ना करें। उन्हें जब भी चावल अर्पित करें तो ध्यान रखें चावल को पहले गिला कर ले, हल्दी लगाकर पिला कर ले, और उसके बाद ही आप भगवान गणेश को चावल अर्पित करें। चावल पीले रंग का हो जाए, इतनी ही हल्दी उसमें लगाएं तो गीले साबुत पीले चावल का ही गणेश जी के पूजन में इस्तेमाल करें। अगली चीज जो गणेश जी पर नहीं चढ़ानी चाहिए वह है टूटे या सूखे हुए पुष्प। गणेश जी के पूजन में कभी भी सूखे हुए या टूटे हुए फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे अशुभकारी माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता आ जाती है, दुर्भाग्य छा जाता है। इसलिए पूजन में सूखे फूलों का भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, ये सारी बातों का ध्यान अवश्य रखें और विधिवत तरीके से गणेश जी की उपासना करके सुख कारक फलों की प्राप्ति करें। तो आइए अब बात करते हैं सभी राशियों के बारे में जिन पर इस दिन से गणपति की कृपा बरसने वाली है,
मेष राशि, मेष राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। यदि आप कोई सामाजिक कार्य करता है तो कल आपको समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। गणेश जी की कृपा से व्यापार करने वालों के लिए कल आपका दिन अच्छा रहेगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय है। आपको व्यापार में लाभ प्राप्त हो सकता है। आपके पार्टनर की मेहनत रंग लाएगी। कल आप अपने जीवन साथी के साथ में बहुत ही मधुरता के साथ रहेंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए भी जा सकते हैं। आपकी पारिवारिक स्थिति की बात करें तो कल आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। किसी बात को लेकर कल आप बहुत ही खुश रहेंगे। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा और जीवन साथी का आपको भरपूर साथ मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में भी आपका दिन अच्छा रहेगा। आपके अधिकारी आपके कार्य से बहुत प्रसन्न रहेंगे और वह आपकी पद में उन्नति कर सकते हैं। सेहत की दृष्टि से भी आपका दिन अच्छा रहेगा, परंतु आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर चिकित्सक को अवश्य दिखाएं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। कल आपके राजकीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी कार्य पूरे होंगे जिनमें आपको लाभ ही प्राप्त होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार में किसी एक प्रकार का कोई फेरबदल करने की कोशिश ना करें। आपका व्यापार पुराने तरीके से जिस प्रकार चल रहा है उसे ऐसे ही चलने दें, अन्यथा आपको कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको आपके कार्यालय में कोई बड़ी उन्नति प्राप्त हो सकती है और आपका आपके ऑफिस में मान सम्मान अधिक बढ़ सकता है। आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। संतान को लेकर आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे। संतान के भविष्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है जिससे आप मानसिक तनाव से पीड़ित हो सकते हैं। कल आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत बनी रहेगी। आपको रुपए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। कल आपकी मुलाकात किसी विशेष और प्रसिद्ध व्यक्ति से हो सकती है जिससे मिलने पर आपके मन को बहुत ही शांति मिलेगी और आपके भविष्य में आगे बढ़ने का मौका और सलाह मिल सकती है। आप अपना कोई निजी वाहन चलाते हैं तो कल थोड़ा सा सावधानी बरतें, कोई दुर्घटना हो सकती है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के जातकों के लिए कल का दिन ठीक ठाक रहेगा। कल आप यदि किसी बड़े कार्य का निर्णय लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर ही निर्णय लें। यदि आपकी कुछ दिन पहले कोई कीमती वस्तु गुम हो गई थी तो वह कल आपको अचानक से मिल सकती है जिससे आपका मन बहुत ही प्रसन्न रहेगा। आप उस वस्तु के मिलने की खुशी में प्रसाद इत्यादि बांट सकते हैं। आपके मन को शांति मिलेगी। कल आप अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कोई दान कर सकते हैं या छोटे छोटे बच्चों को मिठाइयां या बिस्किट खिला सकते हैं। इससे भी आपके मन को शांति मिलेगी। कल आपकी मुलाकात कुछ नए लोगों से हो सकती है जिनके मिलने से आपको आपके व्यापार इत्यादि में लाभ प्राप्त हो सकता है, जिसके मिलने से आपको कोई बड़ा ऑनर भी प्राप्त हो सकता है। कल आप किसी प्रकार के किसी बड़े समारोह में शामिल हो सकते हैं जिसमें आपका मान सम्मान बहुत अधिक बढ़ेगा। कल आपको आपकी नौकरी में कोई बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है जिससे आपका मन बहुत संतुष्ट रहेगा और आपके सहकर्मी भी आपको बधाइयां देंगे। सेहत की बात करें तो आपको पेट से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है और संतान के स्वास्थ्य को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए भी कल का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। कल आप अधिक धन अर्जित करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करेंगे जिसमें आप कामयाब हो सकते हैं। किसी गलत कार्य को करने से आपकी मान प्रतिष्ठा सब कुछ दांव पर लगी हुई है, इसलिए अपनी मान प्रतिष्ठा को फिर से बचने के लिए आपको अच्छे रास्ते चुनने पड़ेंगे। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी दिन अच्छा रहेगा। आप किसी प्रकार के विशेष प्रोजेक्ट के लिए कच्चा माल खरीदने के लिए लंबी यात्रा भी कर सकते हैं जिसमें आपको कच्चा माल उचित दामों पर प्राप्त हो सकता है और आपको धन का लाभ भी हो सकता है। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो आप अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी ना रखें, अन्यथा शिक्षा के क्षेत्र में आपको अनेक परेशानी प्राप्त हो सकती है, इसीलिए आप कड़ी मेहनत करते रहे और आलस का त्याग करें। सेहत की बात करें तो कल आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगी। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। घर से निकलने से पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। सिंह राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा उथल पुथल वाला रहेगा। आपके मन में किसी बात को लेकर बहुत ही उछल पुथल रहेगी।
आप अपने परिवार के लिए आय के नए नए साधन ढूंढते रहते हैं, परंतु आपको अपने आय के साधनों को स्थायी करना होगा, जिससे आप एक ही कार्य को मन लगाकर कर सके और उससे आपको कमाई भी अच्छी होगी। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपकी नौकरी में भी थोड़ी सी उथल पुथल हो सकती है, इसीलिए थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें, अन्यथा आपकी नौकरी में कोई बड़ी परेशानी आ सकती है। अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने की कोशिश करें। आप अपने संतान की पढ़ाई लिखाई को लेकर थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, इससे आपका दिन खराब हो सकता है और आपकी संतान की संगत खराब हो सकती है, इसलिए ज्यादा सोच विचार ना करें, बस अपनी संतान पर थोड़ी सी कड़ी नजर रखें और ईश्वर पर पूरा भरोसा रखें। आपके बिगड़े कार्य भी बनेंगे, आप कोई तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। आपके कल हाथ या पैर में किसी प्रकार का दर्द हो सकता है या आपको फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकता है। कन्या राशि के जातकों के लिए कल का दिन भी ठीक ठाक रहेगा। आपने कई क्षेत्रों में कई प्रयास किए हैं जिनका फल आपको मिलने वाला है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार के लिए जितनी भी कोशिश करेंगे आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी और आपका व्यापार भी उतनी ही उन्नति करेगा, इसलिए आप आलस का त्याग करें। यदि आप अपने व्यापार में किसी प्रकार का कोई फेरबदल करना चाहते हैं तो आप अपने परिवार के किसी अनुभवी व्यक्ति से पहले सलाह ले, नहीं तो आपको आपके व्यापार में बड़ी हानि हो सकती है। यदि आपकी संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई कानूनी विवाद चल रहा है तो कल उसका फैसला आपके पक्ष में हो सकता है और उसका निपटारा हो सकता है। कल आपके कार्यक्षेत्र में आपके शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, परंतु आपके धैर्य और बुद्धिमानी से वह हार मानेंगे। आप किसी भी कार्य को करने के लिए घर से बाहर निकलने से पहले अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। आपके ऊपर आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। बेरोजगारों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप मेहनत करें और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू दें तो आपको कामयाबी मिल सकती है। तुला राशि के जातकों की बात करें तो कल आपका दिन अच्छा रहेगा। कल आपको चारों ओर से किसी प्रकार की कोई खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। कारोबारियों की बात करें तो आप अपने कारोबार में किसी प्रकार का कोई बड़ा धन का लेन देन ना करें या किसी वस्तु का भी लेन देन ना करें, अन्यथा आपका धन और वस्तु फंस सकती है और आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या में फंसे हुए हैं तो कल आपका उस समस्या से निपटना बहुत मुश्किल हो सकता है, इसीलिए धैर्य से काम करें और ज्यादा आलतू फालतू के विवादों में ना पड़े। कल आपको अचानक से रुका हुआ आपका पुराना पैसा वापस मिल सकता है, जिससे आपके परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। सेहत की बात करें तो कल आपको पेट दर्द से संबंधित समस्याएं हो परेशान कर सकती हैं। कल आप अपने माता पिता की सेहत का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा उनको कोई समस्या परेशान कर सकती है। छोटे भाई बहन के भविष्य को लेकर भी आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं। किसी अपने ही सगे के धोखा देने से आपको दुख पहुंच सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। यदि आप सामाजिक कार्य करता है तो कल आपको समाज में बहुत ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। कल आपके घर में अचानक से किसी विशेष अतिथि का मित्रों का आगमन हो सकता है, इससे आपका परिवार का माहौल सकारात्मक रूप में बदल सकता है। सेहत की बात करें तो कल आप अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें। शरीर में जरा सी भी समस्या होने पर थोड़ी सी भी समस्या को अनदेखा न करें। कल को अपने परिवार के सदस्यों के साथ कहीं बाहर घूमने या रेस्टोरेंट इत्यादि में खाना खाने के लिए जा सकते हैं, जिससे आपके परिवार के बच्चे को बहुत ही खुश रहेंगे और आपके माता पिता के मन को भी शांति मिलेगी। छात्र वर्ग की बात करें तो छात्रों को पहले की अपेक्षा और अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, उसके बाद ही आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। आलस का त्याग करें। कारोबारियों की बात करें तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी पेशे वाले व्यक्तियों के लिए भी कल का दिन अच्छा रहेगा। आपको भी आपकी नौकरी में कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। धनुराशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा चिंता वाला रहने वाला है। कल आपके परिवार के किसी सदस्य की तबीयत अधिक खराब हो सकती है, जिसके कारण आपका मन बहुत ही परेशान हो सकता है
और आपका धन भी बहुत अधिक खर्च हो सकता है। आप अपने व्यर्थ के धन खर्च पर काबू करें, अन्यथा भविष्य में आपको धन की कमी हो सकती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ सकता है। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपको आपके व्यापार में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका परिवार पहले की अपेक्षा अधिक अच्छा नहीं चलेगा। आपको कोई भारी नुकसान भी हो सकता है। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ प्राप्त होगा। आपको आपके जीवन साथी का साथ हर क्षेत्र में साथ प्राप्त होगा। कल आपका किसी से किसी प्रकार का वाद विवाद हो सकता है, परंतु आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार के बाद विवाद में ना पड़े। कल आपको आपके कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार का तनाव प्राप्त हो सकता है। कल आपको आपके शत्रु हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए आप अपने शत्रुओं से सावधान रहें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए कल का दिन बहुत ही शुभ रहेगा। बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आपकी पुरानी नौकरी छूट गई है तो कल आपको नई नौकरी प्राप्त हो सकती है और उसका वेतन पहले नौकरी की अपेक्षा बहुत अधिक होगा, जिससे आपका आर्थिक स्तर भी सुधर सकता है। कल आपके माता या पिता में से किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। थोड़ी सी भी परेशानी होने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। आपके माता पिता मौसमी बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। कल आपके घर पर किसी अतिथि का आगमन हो सकता है, जिनके आने से आपका धन खर्च हो सकता है। नौकरी करने वाले जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा कष्टदायी रहेगा। कल आप अपने अधिकारियों को प्रसन्न करने में कामयाब नहीं रहेंगे। आपका क्या दिख, आपको कल किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने से बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा सा समय बिताएं। कार्य की अधिकता के कारण आप अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए अपने परिवार को क्रोधित ना होने दें। कुंभ राशि के जातकों के लिए कल का दिन मिला झूला रहेगा। आपके स्वास्थ्य की बात करें तो आपके स्वास्थ्य में मौसमी बीमारियों के कारण थोड़ी सी समस्या आ रही है, इसीलिए थोड़ी सी भी समस्या होने पर नजरअंदाज न करें, डॉक्टर के पास तुरंत ही जाएं। कल आपको आपके किसी परिचित से कोई मन को विचलित करने वाली सूचना प्राप्त हो सकती है, जिससे आप बहुत ही परेशान हो सकते हैं। यदि आपने किसी का धन उधार लिया हुआ है तो कल आप उसको वापस करने की योजना अवश्य बनाएं। आप अचानक से किसी यात्रा पर जा सकते हैं। इस यात्रा को करने से आपका मन थोड़ा सा शांत रहेगा। यदि आप कोई नया कार्य खोलना चाहते हैं या नया बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। इस कार्य को खोलने में किसी प्रकार की देर ना करें। आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं का हल निकालना ही होगा। इसके लिए आपको अपने जीवन साथी से थोड़ा सा कठोर स्वर में बात करनी होगी। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। आपकी संतान आपका सर गर्व गर्व से ऊंचा कर सकती है। मीन राशि के जातकों के लिए कल का दिन थोड़ा सा परेशानी वाला रह सकता है। कल आपको किसी कार्य की अधिकता के कारण सारा दिन थकान अनुभव हो सकती है। कल आपका मन धार्मिक कार्यों में लगा रहेगा। यदि आपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है तो कल आप उसकी यादों में ही खोए रहेंगे और आपका मन बहुत ही विचलित और परेशान रहेगा। कल आपको ना चाहते हुए भी कुछ जानकारियों पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। आपकी शादीशुदा जिंदगी में चल रही कुछ परेशानियों के कारण आप बहुत दिन से परेशान थे, कल आपको उसका हल प्राप्त हो सकता है। कल आपको शाम के समय में कोई अच्छी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है, जिससे आपके मन को बहुत ही संतुष्टि मिलेगी। आप अपने जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को अनदेखा न करें। कल आपके परिवार में कोई गहरा मुद्दा उठ सकता है, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा विचलित हो सकता है और आपके परिवार के सदस्यों का मूड भी खराब हो सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। किसी भी प्रकार का कोई कठोर वचन ना बोले, अन्यथा आपका कार्य बनते बनते बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट में जय गजानन महाराज लिखना ना भूलें। धन्यवाद।